तो देखो, आपने जो अब तक टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक क्या था, वो डीएमयू तक पढ़ लिया। तो सो फार जो आपने एग्रीगेट्स पहले पढ़े हैं, पहले वो समझ लो। पहले आपने ये पढ़ा कि यूटिलिटी का मतलब क्या है। हम कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो कार्डिनल अप्रोच में पहले आपने ये पढ़ा कि जो यूटिलिटी है वो मेजरेबल है। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये पढ़ी। फिर आपने कहा अगर वो मेजरेबल है तो वो दो पार्ट में है। कौन कौन से पार्ट में है? एक टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल सेटिस्फैक्शन, जो आपको सारी पॉसिबल यूनिट्स की कंजम्पशन से मिलेगा। और एक क्या था? मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो हर एडिशनल यूनिट से आपको मिलेगा। वो क्या था आपके पास? वो था आपका मार्जिनल यूटिलिटी। तो दो चीज़ें आपने पढ़ी। इसके बाद आपने पढ़ा टीयू और एमयू का रिलेशनशिप क्या था, कि जब तक आपका एमयू पॉजिटिव रहेगा तब तक आपका टीयू इंक्रीज करेगा, जब आपका एमयू जीरो हो जाएगा तो टीयू मैक्सिमम पे, और एमयू जब आपका नेगेटिव होगा तो टीयू आपका फॉल करने लग जाएगा। इसके अलावा आपने पढ़ा लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपने ये पढ़ा। ठीक है, सो फार आपने जो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, इन सब के बेसिस पे स्टूडेंट्स आज क्या करना है? आज आपको इन सब के बेसिस पे ही कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम प्रूफ करना है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने ये तो पढ़ लिया कि भाई ये सारे एग्रीगेट्स क्या है, लेकिन इन एग्रीगेट्स के बीच में अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि इन सब की हेल्प से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे प्रूफ कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर डेफिनेशन देखें, उस डेफिनेशन के बाद देखेंगे कि इसका मतलब क्या है और वो प्रूफ कैसे करना है। तो ठीक है, डेफिनेशन हमारे पास किसकी देखनी है? हमें कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ठीक है, डेफिनेशन आज किसकी रेडी करनी है हमें? पहले डेफिनेशन समझनी है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, डेफिनेशन क्या है, एंड देन विल स्विच कि भाई ये चीज जो है आप वो प्रूफ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कहते हैं, इट रेफर्स इट रेफर्स टू अ सिचुएशन। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है स्टूडेंट्स? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है अंडर विच अंडर विच द कंज्यूमर अंडर विच द कंज्यूमर स्पेंस एंड स्पेंस हिज गिवन इनकम ऑन द कंजम्पशन ऑन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी ऑन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड सॉरी सेटिस्फैक्शन एंड हैज नो अर्ज टू चेंज हिज
कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक कंज्यूमर स्पेंड करता है इसकी इनकम, मतलब जितनी भी इनकम इसके पास होगी, चाहे 10 रुपये, चाहे 20 रुपये, चाहे 1 लाख रुपये, चाहे 2 लाख रुपये, जितनी भी इनकम इसके पास है वो अपनी कंजम्पशन पे स्पेंड करेगा। किस लिए? ताकि सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि उसको क्या चाहिए। एक कंज्यूमर को, मैंने आपको बार बार बताया हमेशा कि कंज्यूमर को अल्टीमेटली एक ही चीज़ चाहिए होती है, और वो क्या चाहिए होती है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो एक कंज्यूमर पैसे खर्च कर रहा है अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए, और उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है कि उसी कंजम्पशन में, मतलब उसको कोई चेंज आए। मतलब जैसे मैंने आपको याद है एग्जाम्पल दिया था कि आपके पास एक पर्टिकुलर शॉप है, आप उसी शॉप से अपना रेशन लेते आ रहे हो, तो आप चाहते हो कि उसी शॉप पे जो चल रहा है चलता रहे। बार बार कंज्यूमर चेंज करना पसंद नहीं करता। कंज्यूमर चाहता है कि भाई मुझे एक जगह से या इस पर्टिकुलर गुड से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो मैं इतने पैसे में जो ये गुड मुझे मिल रहा है, जितनी इसकी यूनिट मुझे मिल रही है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ इसके अंदर कुछ कुछ कोई भी चीज़ें चेंज करना। जैसे आप अपने आसपास कोई फूड शॉप होती है, आपको खाने की पसंद होती है, तो अगर आप शाम को कभी स्नैक्स के लिए निकलते हो तो मोस्टली आप वहीं पर जाते हो। ऐसा नहीं है दुनिया में और दुकानें नहीं है, और भी हैं, लेकिन आपको लगता है कि जितने पैसे वो ले रहा है और उतने पैसे में जितनी यूनिट्स वो दे रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल ओके है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत लगती नहीं है। सो दैट इज द केस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इस केस को क्या कहते हैं? इसी केस को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई स्टूडेंट्स? कुछ स्टूडेंट्स बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अब पहले आप इसे कॉपी करें डेफिनेशन को, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स डन? स्टूडेंट्स डन? ओके, एक चीज स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं। आज क्या, हम काफी टाइम से लगातार, जब मैंने आपको बताया था कि दो अप्रोचेज हैं आपके पास, कार्डिनल और ऑर्डिनल, तो आज हम कार्डिनल अप्रोच के थ्रू फाइनली इक्विलिब्रियम सीखेंगे कैसे होता है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ कार्डिनल अप्रोच के क्या सीखे थे, बेसिक सीखे थे कि कार्डिनल अप्रोच के बेसिक्स क्या हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं डीप में के कार्डिनल अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम प्रूफ कैसे होता है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी है कि ये सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करेगा कंजम्पशन के लिए, ताकि उसे क्या मिले, ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, राइट? मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करेगा ताकि उसे क्या मिले, ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि वो कितनी यूनिट्स खरीदेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया आशमा कि भाई आप मार्केट में गए, और आप मार्केट में जाके सपोज इट यू आर गोइंग टू बाय मोमोज, तो आप मोमोज की कितनी यूनिट्स खरीदने वाले हो? एक मोमोज का पीस खरीदोगे, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, कितने आप कंज्यूम करोगे कि आपकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम रहे। सिमिलरली यू वेंट टू परचेज अ ड्रेस, ठीक है, आप एक ड्रेस परचेज करने गए थे, तो ड्रेस की कितनी यूनिट्स आप खरीद के लेके आओगे, सो दैट आपकी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अनुज क्वेश्चन समझ रहे हो कि जो बेसिक क्वेश्चन हमें एड्रेस करना है वो क्या करना है,
हमें बेसिक क्वेश्चन इसके थ्रू इक्विलिब्रियम को प्रूव करने के लिए हमें क्या क्वेश्चन एड्रेस करना है, हमें एड्रेस करना है हाउ मच ऑफ, हाउ मच ऑफ अ कमोडिटी कमोडिटी अ कंज्यूमर हाउ मच ऑफ अ कमोडिटी अ कंज्यूमर बायस सो दैट ही और शी मैक्सिमाइजेस हिज सैटिस्फैक्शन सैटिस्फैक्शन एंड अटेन्स द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम राइट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मच ऑफ अ कमोडिटी अ कंज्यूमर बायस सो दैट ही शी मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन एंड अटेन्स द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब एक कमोडिटी की कितनी यूनिट्स खरीदने पर कंज्यूमर को क्या मिलेगा, उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी और वो कहाँ पहुँच जाएगा अपने इक्विलिब्रियम पे। क्योंकि जब हम कार्डिनल के अप्रोच की बात कर रहे हैं, जब हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में ऑफकोर्स ही बात है स्टूडेंट्स के जो चीज़ें मेजरेबल है। तो मेजरेबल होने का मतलब क्या हो गया अभिषेक, मेजरेबल का मतलब कोई एक ऐसा यूनिट तो होगा ना जो आप मेजर करके सोच रहे होगे कि यार ये यूनिट पे कंजम्पशन करूंगा तो सेटिस्फेक्शन क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम। बात समझ रहे हो आप मेरी स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो तो ये तीन जो फैक्टर्स हैं आपके पास, ये तीन फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम इक्विलिब्रियम को प्रूफ कर रहे होते हैं, क्योंकि बिना इसके आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को प्रूफ नहीं कर सकते। आगे मूव करते हैं कि इसके थ्रू आप इक्विलिब्रियम कैसे प्रूफ करते हैं सिंगल कमोडिटी केस के अंदर। आपने सबसे पहले ये तो देख लिया तीन कंडीशन क्या है, अब बात करते हैं इन तीन कंडीशन के थ्रू आप इक्विलिब्रियम प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो कंडीशन आती है, अब हमारे पास आ रही है क्या स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ रही है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम इन तीनों चीजों के थ्रू जब हम प्रूफ करेंगे, तो इन तीनों चीजों के थ्रू इक्विलिब्रियम प्रूफ करने की जो कंडीशन है वो क्या रहेगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या रहेगी, तो सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट जो पहली कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, वो ये है कि अ कंज्यूमर अ कंज्यूमर ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर ऑफ सिंगल कमोडिटी, भाई एग्जाम्पल लेके चल रहे थे क्या एक्स, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं से एक्स विल बी इन इक्विलिब्रियम When, कब, जब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है ध्यान से देखना, जब उसका एम यू एक्स जो भी कमोडिटी से उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है दैट एम यू एक्स डिवाइडेड बाय एम यू एम। ठीक है, मतलब उसके एम यू एक्स का रेशियो उसके एम यू एम से बराबर होगा उसके पी एक्स के। जब कंज्यूमर इस कंडीशन को अचीव कर लेगा
तब वो उस कंडीशन क्या कहलाएगी, देन दिस कंडीशन दिस सिचुएशन विल बी नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। समझना ध्यान से, देखो MUX का मतलब क्या था, MUX का मतलब एक तरीके से ये था कि वो कितना उसको सेटिस्फेक्शन मिला, राइट अनुज? अनुज MUX का मतलब यही होता है कि कितनी सेटिस्फेक्शन मिली आपको, ठीक है? तो MUX हो गया कि कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, और मैंने आशिमा MUM का मतलब बताया कि आप अपनी मनी से कितनी सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्ट करते हो, राइट? तो ये हो गई आपकी एक्सपेक्टेड, कि भाई आपकी एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन जो थी वो कितनी थी, पहले आई आपकी क्या रियलाइज सेटिस्फेक्शन और नीचे क्या आई आपकी एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। तो जब आप अपने रियलाइज सेटिस्फेक्शन को एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन से डिवाइड करोगे और अगर वो प्राइस के बराबर आ गया, दैट मींस क्या हो गया, दैट मींस आप कहाँ पहुंच गए हो, आप पहुंच गए हो अपने इक्विलिब्रियम स्टेटस पे। इसको अगर मैं रीराइट करूंगा तो आपको और समझ में आएगा, रीराइट करके दिस विल बी लाइक MUX। आई एम सॉरी, MUX डिवाइडेड बाय PX इक्वल टू में व्हाट, इक्वल टू में MUM, मतलब आई एम सॉरी, MUM का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, MUM का मतलब हुआ आपके एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रियलाइज सेटिस्फेक्शन। जब आप अपनी रियलाइज सेटिस्फेक्शन को डिवाइड कर रहे हो प्राइस से, तो वो किस में आ गई, मॉनेटरी टर्म्स में आ गई, और वो इक्वल आपने किसके किया, MUM के, ठीक है? तो MUM के इक्वल किया मतलब एक्सपेक्टेड के, तो आप क्या पहुंच गए, मतलब आपकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी और आपकी रियलाइज्ड यूटिलिटी दोनों क्या हो गई, बराबर। तो कंज्यूमर कहाँ पहुंच जाएगा, कंज्यूमर पहुंच जाएगा अपने इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है? बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है? तो मतलब एक कंज्यूमर एक गुड की कितनी यूनिट्स को कंज्यूम करेगा, एक कंज्यूमर एक गुड की यूनिट्स को कंज्यूम करेगा उतनी जितने में उसका जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, और उसके MUM का रेशियो है, वो किसके बराबर पहुंच जाएगा, उसके प्राइस के। जहां भी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, वहीं कंज्यूमर क्या पहुंच जाएगा, अपने इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, ये तो स्टूडेंट्स पता है क्या होता है, इस जो भी इक्वल वाली कंडीशन होती है इकोनॉमिक्स में, उस कंडीशन को, जो भी इक्वल वाली कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, उस कंडीशन को इकोनॉमिक्स में बोला जाता है नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, अब ऐसा है कई बार ना माइंड में डाउट ये भी आ जाता है। अब डाउट क्या आ जाता है, भाई ये तो है कि MUX इक्वल टू PX होगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरी है क्या हमेशा आशमा आपका MUX और PX बराबर ही रहे? तो इसका मतलब है उस कंडीशन को जहां पे आपका MUX ग्रेटर और स्मॉलर भी हो सकता है, उस कंडीशन को कहा जाता है सिग्निफिकेंट कंडीशन, ठीक है? वो कंडीशन जहां पे आपका MUX ज्यादा या कम भी हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट कंडीशन। स्टूडेंट्स इस बात को, दोनों इन चीजों को नोट कर लो भाई, कौन सी दोनों चीजों को, ये हर इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स में जो भी इक्विलिब्रियम प्रूफ होगा, हर इक्विलिब्रियम के लिए नेसेसरी कंडीशन और सिग्निफिकेंट कंडीशन लाई करती है, हर इक्विलिब्रियम के लिए, ये अकेला नहीं है, हर इक्विलिब्रियम के लिए। ये हो गया केस 1, केस 1 का मतलब नेसेसरी कंडीशन। अब आ जाता है केस 2, केस 2 भी उतना ही पॉसिबल है जितना आपका केस 1 पॉसिबल है। और केस 2 क्या है, केस 2 मान लो, एग्जाम्पल लो कि MUX ज्यादा है किससे, PX से, ठीक है? केस 2 क्या आपका MUX क्या है, ज्यादा है PX से। अब ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम के लिए हमने क्या कहा भाई, इक्विलिब्रियम के लिए इक्वल का साइन चाहिए होता है, यहाँ तो साफ दिख रहा है कि इक्वल का साइन नहीं है, तो मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है, और हमारा कंसर्न जो है वो इक्विलिब्रियम को प्रूफ करना है। तो क्योंकि इस केस में क्या है, इस केस में है कि एज MUX इज ग्रेटर देन PX, मतलब कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है और वो प्राइस क्या कर रहा है, कम पे कर रहा है, ठीक है? मतलब कंज्यूमर इस सिचुएशन को, पहले समझा आप स्टूडेंट, इस सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, वो सिचुएशन जहाँ पे MUX ज्यादा होता है और PX कम होता है,
एक मिनट ये मैं ठीक बना दूं, कहीं आपको वो इक्वल का साइन ना लगे। वो सिचुएशन जहां पे दोनों इक्वल होते हैं, सॉरी, जहां पे एमयू एक्स ग्रेटर होता है और पी एक्स कम होता है, उस सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स सरप्लस। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर एक्चुअली में पे कम कर रहा है बट सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है। तो जब आप पे कम करते हैं, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है, तो उस सिचुएशन को हम कंज्यूमर सरप्लस की सिचुएशन बोलते हैं। तो हमने लिखा है MUX is greater than PX, that is consumer surplus की सिचुएशन है। तो कंज्यूमर क्या करेगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो और कंज्यूम करेगा। सो एज MUX is greater than PX, कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर एंड मोर मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एक्स। ठीक है भाई, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा एक्स को कंज्यूम करेगा। कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो होगा क्या, आपने पहले ही पढ़ा था कि जब आप किसी चीज की कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आशिमा क्या होती है? ठीक है, तो जब वो ज्यादा कंजम्पशन करेगा तो होगा क्या? द लॉ ऑफ डीएमयू सेट्स इन। ठीक है, जब वो कंजम्पशन ज्यादा करेगा तो डीएमयू सेट होगा। ठीक है, जब डीएमयू सेट होगा तो द लॉ ऑफ डीएमयू सेट्स इन एंड एमयूएक्स विल फॉल टिल इट बिकम्स इक्वल्स टू PX। अनुज बात समझ में आ गई? यश आपको बात समझ में आई? करमजीत आपको क्लियर है? राइट, यही होगा। जब सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है तो आशिमा वो क्या करेगा? और कंज्यूम करेगा। जब वो कंजम्पशन बढ़ाता जाएगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन फॉल करने लग जाएगी, और जब उसकी सेटिस्फेक्शन फॉल करने लगेगी तो कब तक फॉल करेगी? जब तक उस दोनों चीजें क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो यही होता है। और इसके उल्टा हमारे पास क्या आ जाएगा? केस थ्री। केस थ्री क्या बन जाएगा? केस थ्री हमारा बन जाएगा जब उसका MUX कम होगा उसके PX से, मतलब अब वो प्राइस ज्यादा पे कर रहा है। अब यार ये तो सोच समझ के ही समझ में आ रहा है कि जब आप प्राइस ज्यादा पे कर रहे हो तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर विल स्टॉप कंज्यूमर विल स्टॉप His consumption। जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा? अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देगा। जब आपको किसी चीज से सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रही तो आप उसे कंज्यूम भी क्यों करोगे? आप उसे कंज्यूम नहीं करोगे, और जो पैसा आपका बचेगा आप किसी और कमोडिटी पे लगाओगे जहां पे आपको क्या मिल सके? सेटिस्फेक्शन मिल सके। मतलब आप उसकी यूनिट्स आप इतनी कंज्यूम कर चुके हो कि आपकी सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो रही है, तो आप उसकी यूनिट्स को क्या करोगे? कम कंज्यूम करना शुरू कर दोगे कि नहीं यार इतनी यूनिट नहीं कंज्यूम करूंगा, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? डिस यूटिलिटी में। तो इन ऑर्डर टू बीइंग इन द स्टेट ऑफ यूटिलिटी, कंज्यूमर विल स्टॉप कंजम्पशन ऑफ द यूनिट्स ऑफ दिस कमोडिटी। ठीक है, वो क्या करेगा? इस कमोडिटी की यूनिट्स को कंज्यूम करना क्या करेगा? स्टॉप कर देगा। सो दैट He can remain or he or she can remain at the point of equilibrium। ठीक है, बात समझ में आ गई students? Students clear है? इसे copy कर लें फिर। देखो एक बार जो अभी तक आपने cardinal approach के अंदर पढ़ा, पहले एक बार वो सारी topic को revise कर लेते हैं,
फिर बात करेंगे कि आगे क्या प्रूफ करना और कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट थिंग, आपने पढ़ा कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के डेफिनेशन क्या है कार्डिनल के थ्रू। तो हमने ये पढ़ा कि एक सिचुएशन जहाँ पे आप स्पेंड कर रहे हो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए और आपकी कोई टेंडेंसी नहीं है एग्जिस्टिंग को चेंज करने की, ठीक है। मतलब जितना भी आप स्पेंड कर रहे हो, जो भी आप स्पेंड कर रहे हो, उससे आप बिल्कुल हैप्पी हो। फिर हमने कहा कि इस कार्डिनल अप्रोच में हमें आंसर क्या करना है। कार्डिनल अप्रोच में हमें आंसर ये करना है कि जो कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है, ठीक है, वो कितनी यूनिट्स लेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा अपने इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक कंज्यूमर एक गुड की कितनी यूनिट्स को बाय करेगा जिससे कि वो कहाँ पहुँच जाएगा, जिससे कि वो पहुँच जाएगा अपने इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि भाई उसकी जो इक्विलिब्रियम है उसको सेटिस्फाई करने की सिचुएशंस कौन सी है। तो पहली सिचुएशन हमने ये पढ़ी कि अगर वो सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करेगा तब वो कैसे सेटिस्फाई होगा, और अगर वो दो कमोडिटी को कंज्यूम करेगा तब वो कैसे सेटिस्फाई होगा। मतलब दो सिचुएशंस में देखा जाएगा इक्विलिब्रियम, एक सिंगल कमोडिटी केस में और एक टू कमोडिटी केस में। तो पहले हमने बात की थी सिंगल कमोडिटी केस की। तो हमने कहा कि जो सिंगल कमोडिटी केस है उसमें सबसे पहले ये देखो कि जब कंज्यूमर कोई चीज़ को परचेज कर रहा है तो वो कितनी बातों पे डिपेंड करता है। तो जो कंज्यूमर परचेज कर रहा है वो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट। एक, उस कमोडिटी का प्राइस कितना है। दूसरा, उस कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कितनी है। और तीसरा, उसकी जो मनी की वर्थ है उसके लिए क्या है, मतलब जो मनी वो स्पेंड कर रहा है उस मनी की वर्थ उसके लिए क्या है। तीसरी ये बात है, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कि अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है सिंगल कमोडिटी में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने पढ़ी थी, क्या थी। पहली कंडीशन ये थी कि अ कंज्यूमर ऑफ सिंगल कमोडिटी से एक्स विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन। वो कह रहा है कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा कब, जब एम यू एक्स अपॉन में एम यू एम बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, पी एक्स के, ठीक है। इसी को मैंने आपसे कहा था, आप रीराइट करके लिख सकते हैं कि एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल टू एम यू एम। मैंने आपसे कहा क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जो ये आप पढ़ रहे हैं ना, ये एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स, ठीक है, इसका मतलब क्या था। इसका मतलब मैंने आपको कल समझाया था। इसको अगर हम बोलते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स रुपी वर्थ, रुपी वर्थ सेटिस्फैक्शन रुपी वर्थ सेटिस्फैक्शन दैट द कंज्यूमर दैट द कंज्यूमर एक्चुअली गेट्स। यही मैंने आपको समझाया था कि एम यू एक्स बाई पी एक्स का मतलब क्या है, कि एक्चुअली में जो सेटिस्फैक्शन उसको मिली, ठीक है, एक्चुअली में जो सेटिस्फैक्शन उसको मिली वो क्या है, एम यू एक्स बाई पी एक्स। लेकिन जो ये पढ़ा आपने एम यू एम, इसका मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, इसका मतलब मैंने आपको समझाया था जो एक्सपेक्टेड है, राइट। ये क्या है, ये वो जो उसको एक्चुअली में मिल रही है। और एम यू एम का है, एम यू एम का मतलब है रुपी एक मिनट, रुपी वर्थ सैटिस्फैक्शन रुपी वर्थ सेटिस्फैक्शन दैट द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स। एक मिनट, दैट द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स, राइट। इसका मतलब क्या है, जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो और जो तुम्हें मिल जाए, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे,
और ये एक्चुअली आपको मिला, तो अगर आपकी एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन और आपकी एक्चुअल सेटिस्फेक्शन सेम हो गई तो ऑफकोर्स ही बात है कंज्यूमर कहाँ पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। तो ये आपने पढ़ी थी फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये होनी चाहिए। फिर आपने पढ़ा कि अगर एक एमयू एक्स ग्रेटर होगा पी एक्स से, दैट मीन्स कंज्यूमर सरप्लस है, वो ज़्यादा पे करना चाहता है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, तो माइक्रो में हम सेविंग्स नहीं पड़ते तो कंज्यूमर क्या करेगा और कंजम्पशन करेगा, जिसकी वजह से डीएमयू ऑपरेट होगा और उसके एमयू एक्स फॉल कर जाएगा। कब तक? जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। थर्ड केस आपने पढ़ा था कि जब उसका पी एक्स ग्रेटर होगा, तो इस केस में तो ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन स्टॉप कर देगा, जब उसको दिख ही रहा है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही तो भाई मैं क्यों कंज्यूम करूँ। ठीक है, तो ये केस क्या थे हमने पढ़े थे, ये आपकी पहली कंडीशन थी। अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंडीशन पे, कि जो आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है। ठीक है, तो जो बी कंडीशन वो फर्स्ट कंडीशन थी, अब बात कर लेते हैं कि जो सेकेंड कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वो क्या है। ये आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये सेम कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है, कंडीशन कहती है एमयू दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, एमयू एक्स मस्ट बी फॉलिंग एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। ये अजम्पशन ये कह रही है कि भाई आपका एम यू एक्स जो है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है एक्स की, वो क्या करनी चाहिए, फॉल करनी चाहिए जब आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी तो। क्योंकि अगर एम यू एक्स फॉल नहीं करेगा स्टूडेंट्स, तो बात वहीं पहुंच जाएगी, वो कंडीशन जो हम डेवलप करना चाह रहे हैं वो कंडीशन डेवलप हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि कंडीशन डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को डेवलप करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपका एम यू एक्स क्या करे, फॉल करे। तो यही कंडीशन हमने क्या लिखी है कि एम यू एक्स मस्ट बी फॉलिंग एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। आपका एम यू एक्स फॉल करना चाहिए जब आपकी कंजम्पशन क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। स्टूडेंट्स यहां तक की बात समझ में आ गई है, कोई डाउट है किसी को? स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ये तो सारी बातें होगी थ्योरेटिकल बातें। ठीक है, थ्योरी के थ्रू आपने ए टू जेड जितनी भी चीजें प्रूफ करनी थी वो सारी प्रूफ कर ली। अब क्या करते हैं, अब इसका एक हाइपोथेटिकल स्केड्यूल लेते हैं, उस हाइपोथेटिकल स्केड्यूल के थ्रू प्रूफ करके देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्रूफ कैसे होगा। मैं स्टूडेंट्स हाइपोथेटिकल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैं फिगर्स लिखूंगा वो हाइपोथेटिकल है। आप जब आपको स्केड्यूल बनाना आ जाएगा तो आप जो मर्जी फिगर ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें तीन चीज़ें चाहिए थी, देखो हमें बेसिकली चाहिए क्या क्या इक्विलिब्रियम प्रूफ करने, तीन चीज़ें कौन कौन सी, ये देखो ये रही। एक हमें चाहिए प्राइस, एक हमें चाहिए एम यू, एक हमें चाहिए एम यू एम। बस ये तीन चीज़ें हमें चाहिए, इन तीन चीज़ों से हमारा क्या है काम बन जाएगा, राइट। ठीक है, तो तीन चीज़ें हम अज्यूम करेंगे, ये रहा। तो हमने सपोज इट स्टूडेंट्स अज्यूम किया कोई भी गुड गुड एक्स ही लेके चलते हैं, नाम के अभी तक एक्स लिए तो आगे भी एक्स ही लेते हैं। तो हमने लिया प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स। सपोजिटली हमने अज्यूम किया कि जो एक्स है, एक्स का प्राइस कितना है, एक्स का प्राइस है ₹2 पर यूनिट। ठीक है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, जब आपको बनाना आएगा आप चार मानो आप दस मानो आपकी मर्जी है। ठीक है, और हम ये एक्ज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा एम यू एम है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एम यू एम, वो कितना है, वो आपका हो गया 4 यूटिल्स। हम ये मान के चल रहे हैं पहले से कि मतलब जब कंज्यूमर अपना सिंगल रुपीज स्पेंड करेगा तो वो कितनी एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे 4 यूटिल्स मिल जानी चाहिए। ठीक है, ये वो एक्सपेक्ट कर रहा है। दो चीज़ें, एम यू का टेबल तो हमें खुद बनाना पड़ता है। अब देखो टेबल कैसे बनेगा, यहाँ पे हमने लिखा कि जितनी यूनिट्स उसने कंज्यूम करी, यूनिट्स यहां स्टूडेंट्स हम लिख रहे हैं यूनिट्स ऑफ एक्स, ठीक है, यहां हम लिख रहे हैं जो भी उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है विच इज एम यू एक्स। ओके, यहां पे हम लिख रहे हैं एम यू, जो भी एम यू आएगा हमारा किस में,
इन टर्म्स ऑफ मनी, ये चीज याद रखनी है आपको स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ मनी की बात की जा रही है यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे कॉलम में आ रहा है जो भी प्राइस उसका है वो, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है डिफरेंस, डिफरेंस इसके बीच बीच में, डिफरेंस बिटवीन, ताकि हमें पता चल सके कि MUX बड़ा है छोटा है इक्वल है, तो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हमें इजी रहेगा फाइंड आउट करना कि क्या चीज़ ग्रेटर है क्या चीज़ स्मॉलर है। तो डिफरेंस, एंड देन इसके बाद लास्ट हमारे पास आ रहे हैं स्टूडेंट्स रिमार्क्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए कॉलम्स। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे रुद्र यूनिट्स जो आप कंज्यूम कर रहे हो, तो उससे यूनिट्स आपकी ये रही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये यूनिट्स है आपकी, ठीक है, जो आपने कंज्यूम करी, ठीक है। MUX की बात करते हैं कि हमारे पास MUX कितना है, मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, एक बात देखो, क्वेश्चन के अंदर प्राइस, प्राइस तो जो है वो क्या रहेगा, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, तो प्राइस हर यूनिट पे कितना कर दिया हमने, प्राइस कर दिया हर यूनिट पे 2, ठीक है। प्राइस तो चेंज हो नहीं सकता, जो कमोडिटी आप पहले जितने की ले रहे हो आप एंड तक उतने की लोगे, तो प्राइस हर लेवल पे हमारे पास कितना है, प्राइस हर लेवल पे हमारे पास सेम रहेगा। तो ये किसी भी यूनिट पे चले जाओ कंज्यूमर से सेम प्राइस चार्ज किया जाएगा 2 रुपये। तो ये हमने फिल कर दिया कि भाई प्राइस तो 2 रुपये बिल्कुल जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स MUX की। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया कि MUX क्या होता है, आप कंजम्पशन करोगे तो MUX फॉल करेगा, तो ये आपकी अजम्पशन है, आप क्या लेना चाहते हो, आप जो मर्जी ले सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर ये नहीं कि यही वैल्यू लोगे, तो हम कोई भी वैल्यू इसको जो है अज्यूम कर सकते हैं। तो सपोज इटली हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो हमें 20 यूटिल्स मिले, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अगर आपको 20 नहीं पसंद तो आप 16 मानो, 16 नहीं पसंद तो 10 मानो, 10 नहीं पसंद तो 5 मानो, आपकी मर्जी है। ये 20 सेकेंड जब उसने कंज्यूम किया तो सपोज इटली पहले से कम हो जाएगा तो 16 मिला। थर्ड उसने जब कंज्यूम किया तो पहले से और कम हो जाएगा क्योंकि DMU अपडेट होगा तो 12 हो गया। फोर्थ उसने जब कंज्यूम किया तो और कम हो जाएगा तो 8 हो गया। फाइव उसने जब कंज्यूम किया तो और कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, हाँ जी, फाइव उसने कंज्यूम किया तो उसकी सेटिस्फेक्शन और कम हो गई तो और कम हो गई, ठीक है। सिक्स उसने कंज्यूम किया तो और कम हो गई। सेवन उसने कंज्यूम किया तो आपको पता है एक पॉइंट के बाद जो यूटिलिटी वो क्या हो जाती है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में चला गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब स्टूडेंट्स ये हमें निकालना है MU इन टर्म्स ऑफ मनी। MU इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे आता है, जब आप MUX को डिवाइड कर देते हो MUM से, जो आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ी थी, याद करें आपको मैंने पढ़ाई थी, ये रही कंडीशन आपकी, रुको, ये रही MUX बाय MUM। तो ये क्या आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है कि MU किसके अंदर, मनी के टर्म्स के अंदर, ठीक है। या तो आप प्राइस से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कंडीशन सेम है, ठीक है। तो मतलब जब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, MUM कितना है, 4 यूटिल्स है, तो मतलब जब हम यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करेंगे, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास 5। इसी हिसाब से 16 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 4, फिर 12 डिवाइड बाय 4, 8 डिवाइड बाय 4, इस तरीके से हम सबसे डिवाइड करेंगे। तो 16 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा। फिर 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 2 आएगा। 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 1 आएगा। 0 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 0 आएगा। एंड देन जब 8 को डिवाइड करेंगे 4 से -8 को तो कितना आ जाएगा, -2। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया, ये आ गया रेशो किसका, MUX और MUM का। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना है जहाँ पे दोनों इक्वल हो गए। देखो ये पॉइंट आपको दिख भी रहा होगा, ये पॉइंट यहाँ पे MUX बाय MUM का रेशो किसके बराबर है, PX के, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सी यूनिट पे हो गया, 4 यूनिट पे। फिर भी डिफरेंस निकाल लेते हैं,
क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो देखो कितना डिफरेंस आएगा रुद्र, यहाँ पे 5 माइनस में 2 दैट विल बी 3, ठीक है। एंड देन उसके बाद 4 माइनस में 2 कितना आ जाएगा आपके पास 2, फिर 2 3 माइनस में 2 1, फिर आएगा 2 माइनस में 2 दैट विल बी 0, 1 माइनस में 2 ठीक है कितना आ जाएगा माइनस 1, 0 माइनस में 2 कितना आ जाएगा माइनस 2 ठीक है, और माइनस 2 में माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस 4, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक की बात हो गई समझ में, यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके अब एक काम करते हैं, अब अपना जरा ये रिमार्क्स वाला कॉलम जो है इसको फिल करते हैं। रिमार्क्स में देखो यहाँ तक आप इस पॉइंट तक देखो, ये थर्ड से लेकर के फर्स्ट तक ध्यान से देखें। अगर मैं थर्ड से लेकर फर्स्ट तक स्टूडेंट ध्यान से देखता हूँ तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि थर्ड से फर्स्ट तक जो है आपका एम यू ज़्यादा है पी एक्स कम है। देखो 5 4 3 मतलब एम यू ज़्यादा है पी एक्स कम है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमार्क्स में क्या आएगा कि भाई ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे मेरा एम यू एक्स ज़्यादा है किससे, पी एक्स से। तो अगर एम यू एक्स पी एक्स से ज़्यादा है तो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर विल इंक्रीज हिज कंजम्पशन। कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी कंजम्पशन को बढ़ाता चला जाएगा। और इसी पॉइंट को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, मैंने भी आपको समझाया था, इसी को बोलते हैं कंज्यूमर्स सरप्लस, ठीक है क्लियर है। और स्टूडेंट्स इस वाले पॉइंट को जरा देख लें आप ध्यान से, ये वाला ये वाला यहां पे क्या है उसका एम यू एक्स पर एम यू किसके बराबर है, प्राइस के। आपने कहा था इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी यही होती है कि एम यू एक्स अपॉन में एम यू एम बराबर होगा किसके, प्राइस के। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इस कंडीशन को हम बोलेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जहां पे आपका एम यू एक्स बराबर रहेगा किसके, प्राइस के। जब आपका एम यू एक्स बराबर होगा प्राइस के तो दैट विल बी योर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये सिचुएशन हो जाएगी आपकी कंज्यूमर्स सर इधर तो एम यू एक्स 8 है यार, ये देखते हो ना रेशो देखते हो आप यार, अभी तो समझाया था आपको, आप रेशो देखते हो। सर उधर तो आपने एम यू एक्स लिखा है, कहाँ लिखा है, ये लिखा तो है एम यू इन टर्म्स ऑफ मनी। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जहां पे आपका एम यू एक्स जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी, यहाँ पे मैं आशिमा इन टर्म्स ऑफ मनी की बात कर रहा हूँ, तभी तो एक कॉलम बनाया, वरना तो ये करने का फायदा ही नहीं होता, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका डोमेन है वो कौन सा, ये वाला जहां पे ये सब चीजें क्या है नेगेटिव हो रही है, ठीक है। तो जब आपके पास ये सब चीजें नेगेटिव हो रही है तो ये कौन सी सिचुएशन है, ये सिचुएशन आ गई जहां पे आपका एम यू एक्स क्या है कम है किससे, आपके पी एक्स से। तो जब आपका एम यू एक्स आपके पी एक्स से कम है तो कंज्यूमर क्या करेगा, रिड्यूस स्टूडेंट्स क्लियर हो गए यहाँ तक पूरे अच्छे से, स्टूडेंट्स क्लियर है? हाँ जी, इसे प्लीज कॉपी करें। अगर किसी को कोई भी डाउट है स्केड्यूल के अंदर तो पूछो, कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो पूछो। मैं बाद में रिपीट कर रहा हूँ कि जो ये जितनी भी चीजें हमने लिखी है यहाँ पे फिगर्स के तौर पे, जितनी भी चीजें आपको दिख रही है सारी हाइपोथेटिकल है, ये रियल फिगर्स नहीं है। आपको बनाना आ गया तो आप जैसे मर्जी बना सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि जिसका जो बिहेव है वो है क्या, ठीक है। बिहेव पता होना चाहिए, फिर आप खुद ही बनाते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि आपको पता होना चाहिए एम यू फॉल करता है तो एम यू फॉल ही कर रहा है। फिर आपको पता है प्राइस कॉन्स्टेंट है तो प्राइस कॉन्स्टेंट है।
अब मैंने जानबूझ के ऐसा एमयू लिया, क्यों लिया? क्योंकि मेरा एमयूएम 4 था, तो अगर एमयूएम 4 था तो डिवीजन करना आसान हो गया। तो आप जब स्केड्यूल बनाओगे तो थोड़ा सा सोच लेना कि जो स्केड्यूल आप बना रहे हो उसमें वैल्यूज आप जो ले रहे हो वो डिविजिबल जो है और सब्ट्रैक्शन है जो उनका कैसा पॉसिबल है, तो अपने माइंड में फ्रेम करना फिर बनाना, ताकि आपको डिवाइड करने में ये ना हो कि पॉइंट में आंसर आने लग जाए। ठीक है, तो आसानी रहेगी जितना आपको इजी बन पाएगा। इसे जल्दी से कॉपी करें प्लीज। सर ये यूनिट ऑफ एक्स आपने लिया है, ये आपने अपनी तरफ से लिया है? यूनिट ऑफ एक्स तो यार ऑब्वियसली बात है 1 2 3 4 5, आप पहली यूनिट कंज्यूम करोगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, राइट? ऐसे ही करोगे ना कंजम्पशन, तो कंजम्पशन तो नॉर्मल है। बाकी सारी फिगर्स तो आप ऑब्वियसली बात है आपने अज्यूम करी है कि जो मर्जी ले लो आप, वो आपको डिपेंड करता है। जैसे मैंने एक तरीके से 4 का टेबल लिया, तो आप 4 का टेबल लेके जगह 5 का टेबल ले लेते, आप एमयू मैंने लिया 4 यूटर्स, आप 5 यूटर्स ले लेते, फिर आप एमयू एक्स की वैल्यू 5 के टेबल में कर देते कि भाई 25 है, 20 है, 15 है, 10 है, 5 है, ऐसे कर देते, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डन? ओके, अब बात आ जाती है, ये हो गया इसका जो भी आपने इंटरप्रिटेशन किया, कौन सी इंटरप्रिटेशन कर ली, ये हमने स्टूडेंट्स कर ली इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कौन सी वाली, ये तो आपने पढ़ लिया कि भाई थ्योरेटिकली कैसे हो गया, स्केड्यूल कैसा हो गया। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट इसके ग्राफ की, कि जो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो हम ग्राफ बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेन जो मैटर करेगा वो क्या करेगा, वो तो मैटर आपका यही करेगा कि जो आपका ग्राफ है वो कैसा है, तो ग्राफ सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो ग्राफ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना कि ग्राफ बनाना क्या है और कैसे बनाना है। ठीक है, तो और हमेशा जो मैंने आपसे कहा है वो चीज़ आपने नहीं भूलनी है कि आपका ग्राफ हमेशा क्या होना चाहिए, एक लेफ्ट कॉर्नर में, तो उसको लेफ्ट कॉर्नर में ही रखना है, बिल्कुल मिडल ऑफ द पेज के नहीं लेके आना। तो ये हमारे पास हो गया वाई एक्सेस, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सेस, तो ये एक्स हो गया, ये ओरिजिन, ये हमारा वाई एक्सेस। ठीक है, अब एक्स एक्सेस पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी यूनिट्स आपने कंज्यूम करी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक है, और इस एक्सेस पे क्या आएगा, क्योंकि हम रेशो की बात कर रहे थे, तो एमयूएक्स जो आपका इन टर्म्स ऑफ मनी आया वो, और प्राइस दोनों कहाँ पे आएंगे, वाई एक्सेस पे। मतलब ये जो आपका एमयूएक्स इन टर्म्स ऑफ मनी आया है वो, और क्या आएगा इस एक्सेस पे स्टूडेंट्स, प्राइस, ये दोनों चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी आपके, वाई एक्सेस पे। ठीक है, अब यूनिट्स होती है स्टूडेंट हमारी मैक्सिमम कितनी थी, 7। और प्लीज़ इसको जब आप बनाएंगे रजिस्टर्स में तो एक प्रॉपर ग्राफ स्केल के साथ बनाना, तभी ग्राफ प्रॉपर बनेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1, ठस्से में मत बना देना, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास यूनिट्स हो गई। अच्छा, जो इनका डिफरेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था, वो था आपका 1 2 3 4 5, राइट? एम यू एक्स डिवाइडेड बाय एम यू एम का जो रेशो था वो कितना था, 1 2 3 4 5। तो देखो, ये तो हमारा हो गया -1, ये हो गया -2। ठीक है, और यहाँ पे कितना है अंश, ये पॉजिटिव में था 5 तक, तो 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव में 5 तक है। तो देखो कैसे पता चलेगा भाई, 1 पे कितना था, ये 1 पे आश्रमा आपके पास था ये 5, तो आपने कहा 1 पे रेशियो कितनी थी, 5 थी, तो ये आपका 1 पे आ गया 5। ठीक है, इसके बाद यश 2 पे कितना था, 2 पे था 4, तो 2 पे कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 2 पे 4। 3 पे कितना था, 3 पे था आपके पास 3, तो 3 पे आ गया, ये आ गया आपके पास 3। 4 पे कितना था, 4 पे आपके पास था ये 2, तो 4 पे ये आपके पास आ गया 2। ठीक है, 5 पे कितना था, ये 5 पे आपके पास एक पॉइंट आया था 5 पे, स्टूडेंट्स क्या हो गया था, ये 5 पे हो गया था 1, तो 5 पे हो गया ये आपके पास 1। और यश 6 पे कितना रहा, 6 पे हो गया ये 0,
और 7 पे कितना हो गया, ये 7 पे हो गया -2, राइट आशिमा? यही है फिगर्स, सर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे अंश, इन सारे पॉइंट्स को जो हमने प्लॉट किए इनको अब ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया MUX। स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये MUX कौन से वाला है, ये है इन टर्म्स ऑफ मनी वाला, ठीक है, विच इज डिवाइडेड बाय MUM, तो इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आशिमा बाद में डाउट मत करना कि सर MUX की वैल्यूज तो कुछ और थी, हम यहाँ पे MUX की बात करते हैं लेकिन हम मनी टर्म्स में बात करते हैं, क्योंकि बिना मनी टर्म्स के तो मैं कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा, एक मनी टर्म में एक यूटिल में है, कंपेयर कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, प्राइस है। अच्छा प्राइस देखो कितना है, प्राइस तो कॉन्स्टेंट है आपका, कितना है प्राइस आपका रुद्र? 2, तो ये हो गया 2। 7 यूनिट तक पूरा कितना है, 2 है, तो ये आपका हो गया प्राइस PX, ठीक है। अब बात आती है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कहाँ पे होगा, तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं एक पॉइंट जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे MUX और PX एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे MUX और PX एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट, वो कौन सा पॉइंट है, वो आपका हो गया 4th पॉइंट, राइट। तो ये 4th पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट गया दिस पॉइंट। तो जो स्टूडेंट्स ये पॉइंट है, सपोज इट इज दिस इज पॉइंट योर ई, तो ये जो ई पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसी ई पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसी ई पॉइंट को बोला जाएगा इकोनॉमिक्स के हिसाब से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसे क्या कहा जाएगा, इसे ही कहा जाएगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, के कंज्यूमर कहां पहुंच चुका है अपने इक्विलिब्रियम पे। और स्टूडेंट जो ये वाला आप पोर्शन देख रहे हैं, जो ये वाला पोर्शन है, अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन की, तो दिस इज योर एरिया जहां पे आपका MUX ग्रेटर है PX से, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं आप, इसे बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, दैट्स द आइडिया। बस ये आपका हो गया पूरा का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ की, ठीक है। अब जस्ट हमें क्या बात आएगी, जस्ट बात आएगी कि इस ग्राफ को हमें एक्सप्लेन कैसे करना है, ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये एक्सप्लेन कैसे करना है। तो ग्राफ एक्सप्लेनेशन तो वैसे भी सबसे ज़्यादा आसान होती है, आपको कुछ नहीं करना। आपने कहा भी जो आपका MUX है, जो आपका MUX है वो क्या है, MUX इज अ डाउनवर्ड लाइन। अंश MUX लगातार डाउनवर्ड है, यस सर। ठीक है, तो हमने लिखा भाई MUX क्या है अश्मा, MUX एक डाउनवर्ड लाइन है, ठीक है, जो कि क्या शो कर रही है, डाउनवर्ड लाइन शोज एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, जैसे कि क्या शो कर रही है कि जब कंजम्पशन इंक्रीज करेगा तो MUX फॉल्स, ठीक है रुद्र, बात समझ में आ गई सर। याशिका, क्लियर है यहां तक, यस सर। ठीक है। PX क्या इंडिकेट कर रहा है, तो हमने लिखा भाई PX इंडिकेट कर रहा है मार्केट प्राइस, PX इंडिकेट्स मार्केट प्राइस ठीक है, मार्केट प्राइस किसका, वो इंडिकेट कर रहा है मार्केट प्राइस ऑफ एक्स विच इज कॉन्स्टेंट, और हमारा PX क्या है आशिमा, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट क्योंकि मार्केट में जब आप एक कमोडिटी लेने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जितना चार्ज हो रहा है उतना ही होता रहेगा, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हमने लिख दिया MUX क्या है, फिर हमने लिख दिया PX क्या है। फिर अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की, ये पॉइंट जो MUX के ग्राफ पे कोई भी जो पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है, देखो इस पॉइंट को अपने ध्यान से बनाया है स्टूडेंट्स, ईच पॉइंट ऑन MUX,
ये एम यू एक्स पे जो कोई भी पॉइंट है, ईच पॉइंट ऑन एम यू एक्स कर्व शोस वॉट, शोज एम यू एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी. जो कोई भी पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो ये वाले पॉइंट्स जो हमने बनाए हैं स्टूडेंट, वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है एम यू एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी. दैट इंडिकेट्स दैट इंडिकेट्स द प्राइस द प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे for each successive unit. ठीक है, हर सक्सेसिव यूनिट के लिए कंज्यूमर जो पे करना चाहता है वो क्या है, वो ये पॉइंट है. तो अगर इन सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो जो आपके पास ये पॉइंट आ गया ई, तो ई इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट ई पॉइंट. इक्विलिब्रियम कहां स्ट्रक हो रहा है स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट पॉइंट E. इक्विलिब्रियम कहां पे स्ट्रक होगा रुद्र, इक्विलिब्रियम स्ट्रक होगा कहां पे, E पॉइंट पे, क्योंकि यहां पे E पॉइंट पे क्या हो रहा है, E पॉइंट पे कंज्यूमर एक्चुअली में उतना ही प्राइस पे कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली में प्राइस कितना है 2 रुपए, और E पॉइंट पे वो पे भी कितना कर रहा है याशिका, 2 रुपए. मतलब E पॉइंट पे क्या हो रहा है, E पॉइंट पे दो चीजें मैच कर रही है, कौन कौन सी चीजें, एक्चुअली पेइंग जो कंज्यूमर एक्चुअली में पे कर रहा है विच इज एक्चुअल प्राइस, या कह सकते हो एक्चुअली पेइंग इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहां पे, एक्सपेक्टेड टू पे, वो जितना पे करना एक्सपेक्ट कर रहा था ई पॉइंट पे एक्चुअली में वो उतना ही पे कर रहा है, राइट आशिमा. तो ये पॉइंट जहां पे आप जितना पे करना चाह रहे थे अगर आप एक्चुअली में उतना ही पे करो तो यश वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई, कोई डाउट स्टूडेंट, किसी को किसी भी पॉइंट में कोई डाउट, ठीक है. तो ये पूरा आपका क्या हो गया, ये पूरा मिला के आपका हो गया सिंगल कमोडिटी केस. ये पूरा हमारे पास क्या हो गया, सिंगल कमोडिटी केस के, सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे प्रूफ होता है. नेक्स्ट लेक्चर में बात हम करेंगे किसकी, कि जब हम बात, जब कंज्यूमर एक से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करेगा विच मीन्स टू कमोडिटी कंज्यूम करेगा, तो टू कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम पे आएगा. ठीक है, क्लियर है.